देखा ना आप लोगों ने ये लुक कितना सिंपल और कितना एलिगेंट था। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिलग्रिम का 24 कैरेट गोल्ड सीरम। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये यूज़ करके। इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है, स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग और प्लम्प कर देता है। उसके बाद मैं पहले अपने ब्राउज को करूँगी। ब्राउ का एक फुल ट्यूटोरियल शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक कीजिए। मैं अपने ब्राउज को ऐसे ही फिल करती हूँ, हर टाइम नहीं करती, बट जब मैं किसी ओकेजन में जाती हूँ तब मैं ऐसे ही करती हूँ। एकदम हल्के हल्के हाथों से करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करती ब्राउज में, ताकि वो एकदम नेचुरल दिखे। एंड फाइनली उसको मैं सेट करती हूँ एक आईब्रो मस्कारा से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का एक हाइलाइटिंग प्राइमर है, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई वेडिंग फंक्शन पार्टी में जा रहे हो ना, इंस्टेंटली प्राइमर का भी काम करता है और हाइलाइटर का भी काम करता है। उसके बाद आईज़ को सेट करूँगी कंसीलर से, क्योंकि पहले मैं आई शेडो लगाऊंगी। सो कंसीलर लगाऊंगी लॉरियल पैरिस का। बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, सो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और उसके बाद कंसीलर को लूज पाउडर से मैं सेट कर दूंगी ताकि वो क्रीज ना हो। एंड उसके बाद बढ़ते हैं आई शेडो में। सो दिस इज माय न्यू पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज क्वार्ट्ज़। काफी ब्यूटीफुल शेड्स है इसमें। सो मैं इसमें से एक पिंक शेड यूज करूंगी और उसको मैं क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे एक आई शेडो ब्रश से मैं लगाऊंगी और एकदम हल्के हल्के हाथों से करूंगी और जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना लूंगी। और फाइनली फिंगर के हेल्प से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक ग्लिटरी शेड में लगाऊंगी। ये शेड काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पिगमेंटेड है। और उसके बाद मैं करूंगी अपना फेस, जिसमें मैं लगाऊंगी लॉरियल पैरिस इन्फॉलिबल का फाउंडेशन। सो सब कुछ शेड्स मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और उसके बाद मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से, ये एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है। उसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर इनर कॉर्नर्स पे, ये हाइलाइटिंग कंसीलर है, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी और टिप ऑफ द नोज। और इसको मैं कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर ब्रॉन्जर। बहुत ही सॉफ्ट शेड है इसका और इजीली ब्लेंड हो जाता है एकदम मक्खन की तरह। सो मुझे ये बहुत पसंद है। ये ओटो ब्लश मैंने लिया है अमेजोन से, इतना पिगमेंटेड है, इतना ब्यूटीफुल शेड है। सो एकदम थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि ये ज़्यादा ना हो। और उसके बाद मैं आईज को कंप्लीट करूंगी क्योंकि वो हाफ डन था। सो नीचे मैं सेम आई शेडो लगाऊंगी और इनर कॉर्नर में आज थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ, एक डिफरेंट शेड लगा रही हूँ, थोड़ा पर्पल ग्लिटरी शेड है ये। आप इनर कॉर्नर पे कोई भी शेड लगा सकते हैं। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी और टाइट लाइन करूंगी अपने अपर और लोअर वाटर लाइन को। और मस्कारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये मेरा फेवरेट करंट फेवरेट मस्कारा है फ्रॉम लॉरियल पैरिस, और ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। एनी वेडिंग फंक्शन और एनी पार्टी इज इनकम्प्लीट विदाउट हाइलाइटर। भर भर के हाइलाइटर लगाओ। उसके बाद लाइन करूंगी अपने लिप्स को इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिप लाइनर से और लगाऊंगी एक न्यूड शेड ऑफ हुडा ब्यूटी। मैट है, काफ़ी ब्यूटिफुल सॉफ्ट कलर है। एंड वोला दिस इज द फाइनल लुक। काफ़ी इजी है, सिंपल है, बाल भी मैंने खुद बनाया है। अगर इसके ऊपर भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। आप सब इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट कर सकते हैं, एकदम इजी स्टेप्स मैंने दिखाया है और ब्यूटीफुल लगता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, लॉट्स ऑफ